बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपसे हम इस्तेफादा कर रहे हैं और रबीउल अव्वल का महीना जो है वो भी जारी है इस वक्त। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अदल व इंसाफ के सिलसिले में अपने सहाबा की तरबियत की और वो हम देखते हैं कि उन्होंने किस तरह से फिर उसे इसमें दाखिल किया और अपनी जिंदगियों में भी और माशरे में भी और दूसरों के हकूक के हवाले से भी। आप फरमाए कि ये तरबियत जो है अब मुमकिन नहीं है लोगों की, या इसमें क्या कमी क्या रह गई इसमें, किस तरह से अदल इंसाफ को हम उन लोगों तक एक बिल्कुल कल्चर बना सकते हैं कि ये मुसलमान है तो ये बे इंसाफ तो नहीं हो सकता, इज इट पॉसिबल? जी देखिए, ऐसा है कि कुरान करीम का भी ये एक क्लेम है, सीरत पाक का भी ये दावा है कि तब्दीली हर मरहले में हर मकाम पर हो सकती है और इस्लाम चूंकि एक आलमी और आलमगीर दीन है इसलिए अगर वो सातवीं सदी में लोगों बदल सकता है, आगे बदल सकता है। कुरान के आलमी होने का मतलब ये है कि उसकी जो तासीर है तब्दील करने की वैसी मौजूद है। जो हमारा अलमिया है वो ये कि कुरान करीम ने जहां कहीं भी कोई बात कही है वो एक्शन ओरिएंटेड है। अच्छा जी, कुरान ये कहता है कि ए अहले ईमान नमाज कायम करो, मईशत को ठीक करो, ज़कात का निजाम लेकर के आओ, कत्ल गारत ना करो, सच बोलो, अदल करो, ये सारे एक्शंस हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा। दूसरी बात ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और आपके अस्हाब ने अदल के खुतबे नहीं दिए, ठीक, बल्कि अदल करके दिखाया। बिल्कुल, वो मशहूर वाकया आपके इल्म में होगा कि जब हजरत उमर और उबी बिन काब दोनों बड़े मशहूर सहाबी हैं, उनमें कोई निजा हो गया जी, दोनों का मुकदमा गया किसके पास? जैद बिन साबित के पास। ठीक, तो जब उन्होंने अपना बयान दिया तो जैद ने हजरत उमर से कसम नहीं ली। ओके, कि मैं जो कुछ कहूंगा। हजरत उमर ने कहा, जैद तुमने ये इंसाफ के खिलाफ किया और कसम उठाई। अब ये जो मिसाल है ये फरिश्तों की तो नहीं, इंसानों की है ना? बिल्कुल ठीक, उन्हीं इंसानों की है जो इस्लाम लाने से पहले शायद बाज गलतियां कर बैठे हों, लेकिन जब वो इस्लाम ले आए तो फिर उन असहाब के अंदर उस चीज ने घर कर लिया जो अदल व इंसाफ था और ईमान का तकाजा था। हमने ये कर लिया है कि हम जुमे के दिन या किसी खास मौके पर एक खिताब या एक करारदाद रेजोल्यूशन एक पास कर देते हैं, हुकूक इंसानी को हमने बहाल कर दिया कदरत के जरिए, जबकि जो साहब ये कदरत पास करते हैं वो अपनी बीवी के साथ, अपने मोहल्लेदारों के साथ, अपने बच्चों के साथ कितना अदल इंसाफ करते हैं उन्हीं को मालूम होगा। जी सही, तो यानी ये जो एक हमारा डायलेमा है इसका हल इसके अलावा कुछ नहीं है कि आपको घर से अदल का आगाज करना होगा और जब तक घर के अंदर आप अपने तमाम उम्दा खुतबात के बावजूद बीवी से बात करते हुए लहजे में करख्तगी है या ये एहसास है कि वो आपसे कमतर है, ये एहसास है कि सारे काम उसे करने हैं, आपको महज बादशाहत करनी है घर के ऊपर, जब तक ये रवैया इस्लाम के मुताबिक नहीं हो जाता और आप उसको समझें कि वो शरीक हयात है, जिसका मतलब ये है कि उसके जज्बात, उसकी जरूरियात और आपकी कोई मुख्तलिफ नहीं है। कुरान पाक ये कहता है कि शोहर बीवी का ताल्लुक ऐसा है जैसे कि लिबास और जिस्म का, जिसमें कि इंतहाई कुर्बत है, बेतकल्लुफी है, प्रोटेक्शन है, जीनत है, हर चीज है, शख्सियत है पूरी की पूरी। तो जब तक हम दीन के इन पहलुओं को जिनका ताल्लुक अमली मामला से है, हमारे होता यह है कि दीन का मतलब ये है कि किसी खास नजरी मसले के ऊपर बड़े जोश खिताबत के साथ, आवाज के जेरो बम के साथ, इशारों के साथ तकरीर फरमा देना और लोगों का वाहवा कर लेना, जबकि दीन का मतलब ये चीजें हैं जो दीन ने हमको सिखाई, अगर ये की जाए तो मुझे बताइए कि आज क्यों नहीं तब्दीली हो सकती। सर ये सवाल हमारे माशरे में हम अक्सर देखते हैं, ये सवाल इसी से, तो मैं आपसे चाहूंगी कि रोशनी डालें आप इसमें,
कि जिस तरह माँ के बारे में तो हदीस शरीफ में आता है कि माँ के पांव तले जन्नत है जी, और बीवी जो है वो जो है अपने शोहर के लिए आया है, उसकी सब जिम्मेदारी उस पर है, तो एक जो एक मर्द है वो किस तरह से अपनी माँ के और बीवी के दरमियान इंसाफ कर सकते हैं कि ये झगड़ा जो है वो कई बरसों से चला आ रहा है, तो किस तरह से डालेगा आप? एक तो आप ये भूल गई कि जो बीवी है उसको भी माँ बन के ये मकाम हासिल होना है, यानी उसके बाकी जन्नत होगी कुछ दिनों के बाद, ऐसा नहीं है कि महरूम हो गई वो। लेकिन जो बात आपने कही है उसमें बड़ा वजन है, और वो हमें मालूम होता है कि जहाँ ये हदीस है कि माँ के पाँव के जन्नत है, ये हदीस है कि माँ का हक बहुत ज्यादा है बाप के मुकाबले में, और उसके जैनी वजूहत हैं, वहां पर ये चीज भी है कि मैं तुमने सबसे ज्यादा अपने अहले खाना का ख्याल करने वाला हूँ, और तुम में सबसे अच्छा इंसान वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा है, यानी दीदी के साथ अच्छा है। देखिए खातून सल्लम ने किसी एक पहलू को नहीं छोड़ा है, यानी शौहर कैसा हो, बीवी कैसी हो, बेटा कैसा हो, बेटी कैसी हो, पोते पोतियां, नवासे नवासियां कैसे हों, यानी हर वो चीज जो माशरे में मुमकिन हो सकती है वो आपकी हयात मुबारका से हमको मिल जाती है, और उसमें यह बात बड़ी वाजे। फिर कुरान पाक ने बात को वाजे कर दिया कि जैसे वालदैन के हवाले से आपको उनकी नाफरमाई नहीं करनी, लेकिन अगर एक माँ और एक बीवी बेटे की जो है उनमें निज़ा पैदा हो जाता है, तो माँ की बात उस वक्त तक माननी है जब तक कि वो अदल का मुनाफी ना हो। इस्लाम का उसूल है अदल का, इसलिए इताअत की हुदूद है, इताअत अनलिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड राह सिर्फ दो की है, अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की। कुरान ने इस बात को वाजे कर दिया है और यह कहा है अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो मेरी इताअत करो रसूल की, जिसका मतलब ये है कि इन दो को आप चेंज नहीं कर सकते, जो कहेंगे वो करना होगा। लेकिन अगर माँ कोई बात कहती है, बीवी कोई बात कहती है, तो आपको देखना होगा कि वो अदल के मुताबिक है या नहीं, और अदल भी वेग नहीं है, बल्कि अदल को भी कुरान करीम में सीरत पाक ने वाजे कर दिया है कि अदल क्या है। तो अगर हम इन चीजों पर थोड़ा सा भी गौर कर लें तो जो हमारे यहाँ बहुत से माशी निज़ा पैदा होते हैं, डिस्प्यूट पैदा होते हैं, वो बासानी हल हो सकते हैं।